Good morning, students. Students, today I'll explain you a beautiful poem, and the name of the poem is Little Green Man, written by David Harris. This poem is about aliens. Okay, it is imagery, a poem that creates an imaginary picture to reader's mind. It is sometimes so real that it creates a real picture in reader's mind. So, Little Green Man is an imaginary character with green skin and sometimes with antenna on their head. 1950 में बच्चों जब पहली बार flying saucers report की गई, you know ना flying saucers इस तरह की कुछ ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स रिपोर्ट किए गए जो बाहर की दुनिया से आते थे हमारी पृथ्वी पर. मतलब ऐसा कहा गया कि ये उड़न तश्तरियाँ दूसरे प्लैनेट या गैलेक्सी से आती हैं और इनमें हमारे जैसे ही ह्यूमन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलियंस. ये टर्म साइंस फिक्शन में बहुत यूज़ होता है, राइट. और आजकल तो आप देख रहे होंगे बहुत सारी मूवीज भी हैं एलियन में. जादू, जैसे आप सभी ने देखा है जादू, राइट. तो जादू कौन से कलर का था? जादू ब्लू कलर का था, राइट. सो ये 1950 की बात है जब एलियंस को ग्रीन कलर में कंसीडर किया जाता था, और आजकल इसे ब्लैक, ग्रे या ग्रे कहना चाहिए, ग्रे या ब्लू कलर में भी कंसीडर किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि इनका कलर ब्लू या ग्रे है. कुछ लोग सिल्वर इसको मानते हैं. दीज आर ऑल इमेजिनरी कैरेक्टर्स. ओके, सो लेट्स रीड द पोम एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू.